जनूबी पंजाब में कोरोना के वार जारी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर समेत 10 मजीद मुलाजमीन में कोरोना तस्दीक। जिला इंतजामिया की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में अवाली एक हफ्ते के लिए सील। दीगर मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट कराने के अहकाम जारी कर दिए गए। मुल्तान में प्रिंसिपल निश्तर मेडिकल कॉलेज के अहकाम न मानना महंगा पड़ गया। ऑर्थोपेडिक के दोनों वार्ड को पाक इटालियन बर्न यूनिट में मुंतकिल न करना। कोरोना वायरस वार्ड मुख्तस करने में रुकावट पैदा करने पर नोटिस जारी। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने ऑर्थोपेडिक यूनिट 1 और 2 के सरबराहान को तलब कर लिया। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी। शाहरुख ने आलम, न्यू मुल्तान और MDA में स्मार्ट लॉकडाउन के बाद ट्रैफिक मामूल से कम रही। SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए पुलिस एहलकार तायुनात। शहरियों के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूरी करार दे दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद मोहम्मद मुबीन एहसन की अंदरून मुल्तान गेट में कार्रवाई। स्विमिंग पूल सील। मलिक जमशेद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नहाने वाले शहरियों को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। उसामा गार्डन होटल पर भी छापा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर होटल सील। मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तौंसा के मुकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। महकमा आबपाशी के मुताबिक पानी की आमद 1,87,000 क्यूसिक जबकि इखराज 1,70,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। केहरोड पक्का धनोट में नौब्याहता जोड़े पर नामालूम शख्स तेजाब फेंककर फरार। दुल्हन का चेहरा, बाजू और टांगे झुलस गईं। आंखें जाया होने का खदशा। तश्वीशनाक हालत में बहावल विक्टोरिया अस्पताल रेफर। दूल्हे का बाजू भी 50% झुलस गया। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी।